want you? Why do I want you back? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं क्या काम करता हूँ। देखिए, मैं गारमेंट्स में काम करता हूँ और इतना मेहनत करने के बाद आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो मुझे। ये तो भाई बहुत गलत रहा है मेरे साथ, मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए, हम लोग यही सिलाई का काम करते हैं। और ये देखिए कितना मस्त मार रहा है पीस भाई साहब, इतना खतरनाक मर रहा है, बाप रे। यही सब हम काम करते रहते हैं दिन भर, सुबह 9 बजे से लेके शाम की 7-8 बजे तक करते हैं, कभी कभी 10 बज भी जाता है। देखिए कितना खतरनाक पीस मार रहा है भाई साहब, ये पीस मार के अब कटिंग कर रहा है, एकदम फास्ट में भगा के कर रहा है। और देखते रहिए आप लोग, मज़ा आएगा। ये देख के पूरा रिव्यू करेंगे गारमेंट्स का, गारमेंट्स में कितना कमाई होता है नहीं होता है सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। इस गारमेंट्स का टर्नओवर होता है मंथली 30 लाख से लेके 50 लाख का अंदर ही रहता है टर्नओवर। और देखिए ये कटिंग मशीन रखा हुआ है, ये हो गया इधर पीस कटिंग होता है टेबल पे, और ये मशीन पड़ा है। सब लोग चले गए थे उस टाइम, वीडियो बनाया था, कुछ लोग बचे थे, इसके लिए कोई नहीं, कोई दिख नहीं रहा है, सब मशीन में बैठ के एक आदमी काम करते। और दिन का 1000 पीस होता है यहाँ पे, इस कंपनी पे बनता है, बन के निकलता है। एक पीस बनाने में खर्चा होता है 100 रुपया टोटल ओनर का, और ओनर सेल करते हैं 150 रुपया करके। दिन का 1000 पीस बनता है तो उस हिसाब से आप लोग हिसाब लगा लीजिए दिन का कितना प्रॉफिट होता है ओनर का। ये देखिए कितना क्वांटिटी में दागा रखा हुआ है भाई साहब, देख के डर लगता है, इतना सारा दागा रखा हुआ रहता है ना। मंथली तो 1.5-2 लाख का दागा ही चला जाता है, ये कटिंग करके फैब्रिक रखा हुआ है। ये देखिए और बिना कटिंग की रखा हुआ है, फैब्रिक ही फैब्रिक है। और इधर देखिए पूरा पैकेटिंग होके हो गया, अब मार्केट के लिए तैयार। ये पीस ये जाएगा अब होलसेल मार्केट सीधा, और आएगा रुकड़ा, मिलेगा हम लोगों को पेमेंट। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, एक नंबर लग रहा है पीस, पैकेटिंग होने के बाद ऐसा ही चलता है। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग।